डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही ईडी व सीबीआई की गतिविधि तेज हो गई है। बुधवार की सुबह 7 बजे ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी की। बताया गया है कि आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन के लिए ईडी की टीम संजय सिंह के घर पहुंची है। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये एक ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसमें पिछले 15 माह से छानबीन चल रही है। 1000 से ज्यादा जगह पर ईडी और सीबीआई छापेमारी कर चुकी है, लेकिन कहीं से भी एक रुपया बरामद नहीं हुआ है। बता दें कि अभी हाल ही में संजय सिंह ने अपने दिल्ली स्थित आवास के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया था। इस पोस्टर में लिखा था, फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। आज उनके आवास पर ईडी ने दस्तक दे भी दी। इससे पूर्व 24 मई को इसी केस में संजय सिंह के कारोबारियों के ठिकाने पर ईडी ने छापे मारे थे। तब संजय सिंह ने कहा था उन्होंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। आज उनके सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित है। ये जुर्म की इंतहा है, चाहे जितना जुर्म करो लड़ाई जारी रहेगी। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने छापेमारी की इस कार्यवाही पर ये प्रतिक्रिया दी। 15 महीने हो गए, पिछली बार जब नाम लिया आपने उसके बाद रिटर्न में अपोलॉजी दी। 15 महीने में टॉर्चर किया गया लोगों को जेल के अंदर, कस्टडी के अंदर, और एक चवन्नी नहीं निकली। फिर भी ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये विंडाटा पॉलिटिक्स है, निम्न स्तर की राजनीति है, ये डर्टी ट्रिक्स है जो एक डेस्परेट मैन का अटेम्प्ट है। वहीं इस बारे में दिल्ली के मंत्री सौरभ सिंह ने यह कहा, देखिए ये ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसके अंदर पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहाँ छापा मार दिया। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। एक रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल है, और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है, और एक डेस्परेशन है, एक आखिरी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि किसी तरीके से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं, मगर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछती रही। चार्जशीट में भी नाम बताया जा रहा है कि नाम है। तो घर की चार्जशीट है, पहले भी नाम डाला था, फिर बोला कि गलती से डाल दिया, किसी और का नाम डालना था इनका नाम डाल दिया। इसके ऊपर बाकायदा संजय सिंह जी ने मानहानि का नोटिस भी दिया था। तो इनकी मर्जी है, किसी का भी नाम डालना चाहे डाल दो। कभी किसी को बोलते हैं कि ये आरोपी हैं, कभी कहते हैं ये सरकारी गवाह हैं। आप तो किसी भी आरोपी को कह दें कि भाई तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, तुम गवाही दे दो, तो वो गवाह बन जाएगा। उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, लोगों के साथ मारपिटाई की जा रही है, झूठे बयान देने के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ये सब चीजें तो कोर्ट के सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में तो आप किसी भी एक्यूज को जो है गवाह बना लीजिए, तो बड़ा आसान काम है। इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी। ये पिछले एक साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं, इतनी
बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए, कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जाँच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले एक साल से जाँच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। उम्मीद है, मनीष सिसोदिया के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। वहीं जिस वक्त ईडी भीतर छानबीन कर रही थी, संजय सिंह के पिता को मीडिया घेरे हुए थी, इस दौरान उन्होंने यह कहा, अच्छा मैं पूछ रहा हूं कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है, आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है कि इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि बदले की भावना नहीं थी क्या थी, और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी, ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है। सवाल वो पूछिए जो किसी भी सामान्य नागरिक की समझ में आवे, वो सवाल न पूछिए कि मैं कहूँ 3 धंधों 5 होता है तो आप कहें कि आपको कैसे लगता है 5, आपकी समझ में नहीं आता, मीडिया के ये बदले कार्रवाई नहीं है क्या है, एनीथिंग मोर। आगे कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को आगे? मैं कैसे देखूंगा, मेरे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, फीलिंग मेरे साथ है, आई विल वेट फॉर द टाइम व्हेन ही विल गेट द क्लियरेंस। आप लोग महसूस करो, बहुत दिन से संजय सिंह ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ गवाहों ने उनका नाम लिया था, अब ईडी के पास सूचनाएं होंगी, मैं उसके पास थोड़े हूँ, ऐसे तो आए नहीं होंगे, कोई सूचनाएं होंगी तो दे शुड गो टू मेक देयर क्वेरी पहले, व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstByte.tv। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।